सर हेलो सर 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 नमस्कार सर, सुनिए तो। हाँ बोलिए। सर मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, प्लीज़ सॉल्व कीजिए। अच्छा अच्छा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मेरा एग्जाम नज़दीक है सर, मैं इसे किस प्रकार से पढ़ूँ सर, प्लीज़ बताओ सर मुझे, मेरा जो मैथ्स में दिमाग बिल्कुल नहीं लगता। तो देखिए मेरा बात ये है कि आप डरे तो बिल्कुल मत, और आपके जो रुपेश पांचाल सर है ना, आपको सारा कुछ बताएंगे आज किस वीडियो में कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हो ATI रुपेश पांचाल यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में घंटी के बेल आइकन को क्लिक कर लो और ऑल पर सेट कर लो, ताकि आप पाए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आपको भी मैथ्स नहीं बनती है, आपको भी मैथ्स करने में मन नहीं लगता है, या आपको भी मैथ्स से घबराहट होती है, या मैथ्स में आप अच्छा इसको नहीं कर पाते, या थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा, या आप ये वो मान के चलिए आप थोड़े मतलब बीच के किस्म के इंसान हो, तो आज की स्टूडियो में आपको बिल्कुल टॉपर बना दूंगा मैथ्स में, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप अभी तक अगर कमजोर थे तो ये मैटर नहीं लगता, परंतु अब आप क्या कर रहे हो वो उसका मैटर आपका भविष्य तय करेगा। अगर आज आप मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भविष्य में जा करके मैथ्स के मास्टर बन सकते हो, आप मैथ्स में किसी को भी हरा सकते हो। भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप तैयारी इसलिए मत करिए कि आप किसी को हराए, तैयारी इसलिए करिए ताकि आप ना हारे, बस तैयारी इसलिए करें ताकि आप ना हारे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विपिन यादव सर के बारे में। आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे होंगे है ना स्क्रीन पर, अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, परंतु देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसे स्टूडेंट रहे, आज तो ये बहुत बड़े गुरु हैं, ठीक है ना, मेरे तक गुरु हैं ये, ठीक है ना। आज ये मतलब पहले जो है ये ट्वेल्थ में ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मैथ्स में पूरक आती थी, जी हाँ पूरक आती थी ट्वेल्थ में, परंतु इन्होंने इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, इतनी ज़्यादा कठिन मेहनत की, इतना लगन से पढ़ाई किए मैथ्स की कि आज ये मैथ्स के मास्टर है, जी हाँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ भाई दोस्तों, लोमड़ी जब दौड़ती है ना भाई, तो पीछे से देखती है और शेर उसको दबा के पकड़ लेता है, जबकि रेस ज़्यादा किसकी होती है, स्पीड ज़्यादा किसकी होती है, लोमड़ी की, और शेर की कम, परंतु शेर कहाँ ध्यान देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर, परंतु लोमड़ी क्या है, अपने लक्ष्य से भटक जाती है और आगे पीछे इधर उधर इर्द गिर्द में भटक जाती है, इसलिए वो क्या कर जाती है, पीछे रह जाती है, हार जाती है ना। तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है, एक समय में एक कार्य करिए। अगर आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हो तो इस समय सिर्फ वीडियो देखिए, कोई अगर मैसेज आएगा तो उसकी रिसीव करिए, ठीक है ना। और चलिए अब हम अपना बात करते हैं मेन मुद्दे की, ठीक है ना, ये हो गया थोड़ा बहुत मोटिवेशन है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। अब देखिए मैं आज की वीडियो में आपको आपकी बीमारियां बताऊंगा, अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया पूरा पूरी चीज है ना। सबसे पहले बीमारियां बताऊंगा, इलाज बताऊंगा, उसके बाद जो टिप्स बताऊंगा वो टिप्स आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो ऐसी टिप्स है जिस प्रकार से मैंने अगले वीडियो में बताया था ना उस प्रकार, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए बीमारियां क्या है, आप छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते हो, आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हो, आप ये सोच लेते हो कि भाई ये तो छोटी चीज है, इसको क्या ये तो याद रह जाएगी, परंतु आपको ऐसा नहीं करना, आपको छोटी छोटी चीजों का याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको माइनस प्लस का ध्यान नहीं रहता है, आप सोच लेते हो भाई ये तो बाद में कर लेंगे, क्या है इसमें, है ना, माइनस प्लस का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, यही नहीं बहुत सारी चीजें होती है इस प्रकार, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोर्ड मास का नियम, ये कोई छोटी चीज नहीं, आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम अगर आपको समझना है तो आप बाद में वीडियो देख लेना, परंतु मैं आपको बता दूं आप बोर्ड मास का नियम ही इसका अर्थ है। देखिए बोर्ड मास का नियम क्या है, इन सभी के आप अर्थ निकाल लो, और जैसे कि बी पहला आ रहा है तो मतलब सबसे पहले ब्रैकेट होता है, मतलब ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, अर्थात कोष्टक को सोल्व कीजिए, है ना, ऑफ मतलब तो का, ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग, उसके बाद भाग कीजिए, उसके बाद यहाँ पर गुणा कीजिए, उसके बाद यहाँ पर एड कीजिए, जोड़िए, उसके बाद घटाइए, है ना, ये चीज होता है बोर्ड मास का नियम में। उसके बाद आप घबराते बहुत हो भाई, आप घबराना नहीं चाहिए, इतना हिम्मत रखना चाहिए, मोटिवेटरी रहना चाहिए, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि भले कुछ कह रहे परंतु गलत, मतलब घबराना नहीं चाहिए, चाहे गलत कार्य करे है ना, परंतु फिर भी घबराना नहीं चाहिए, आपको उसका परिणाम मिल जाएगा तब आप घबराइए, है ना, परंतु अगर गलत काम को पता है इसका नतीजा क्या होगा, फिर तो आपको डर लगना ही चाहिए। अब देखिए मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करना, ये क्या आपकी, ये आपकी बीमारी है, मेहनत नहीं करना, आपको मेहनत करना चाहिए तभी आप जो है इसमें सफल होंगे, है ना। बाकी ये तो थोड़ी छोटी छोटी बात है। अब देखिए इसकी इलाज क्या है, ये आते हैं मेन मकसद, इलाज क्या है,
कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज होता है। अगर इलाज जड़ से हो जाए ना तो पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी और कभी बीमारी होती ही नहीं, पैदा ही नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसके इलाज है, सबसे पहले अपना बेस मजबूत करें। लाइक अगर आपको गुणा जोड़ घटाओ भाग नहीं आता है तो सबसे पहले आप इन चीज को पहले सुधारिए, है ना, अपना कन्वर्ट कीजिए। मतलब अगर आपको नहीं पता होगा जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आप कर ही नहीं पाओगे सभी चीज, है ना। लाइक आपको अगर पढ़ना नहीं आते तब भी आप ये चीज नहीं कर पाओगे, परंतु अगर आपको अगर अपना बेस मजबूत है जोड़ घटाओ गुणा भाग अगर गुणा आ जाए तो आप पहाड़े मन से बना सकते हो। उसके बाद देखिए देखा देखी करें, जी हाँ देखा देखी करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सवाल किया है, मान लीजिए मैंने ये ऊपर ये सवाल कर रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए किया है, यहाँ पर मैंने ये ऊपर सवाल कर रखा है, तो एक और सवाल देख लीजिए ये दे दिया है, ये दोनों सेम है, देख सकते हो सवाल यहाँ पर है, ये दोनों क्या है सेम है, परंतु इसको सोलो अलग अलग किया है। अब हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने देखा देखी किए कि भाई ऊपर यहाँ पर जोड़ा है, हमने भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है कि भाई वहां पर 7 और 3 10 हो रहे तो यहाँ पर जो है हमें 11 और 2 भी 10 कर दे, नहीं 11 और 2 भी 10 नहीं होंगे, वहां पर उसकी सिचुएशन की तरफ से जो है सोल्व होगा। जैसे कि वहां पर 4 7 थे और 3 थे तो 10 हुए, परंतु यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 11 और 2 अगर हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे भाई, 11 और 2 आपके 13 होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गलतियां करें, यहाँ गलतियां करने से बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि आप गलतियों करने से डरते हो, इसीलिए तो आप क्या है शुरुआत नहीं कर पाते हो, और शुरुआत इतनी कम करें कि आपको खुद शर्म आ जाए। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि शुरुआती टाइम में आप बहुत ज्यादा पढ़ लो, परंतु अगर आपके अभी एग्जाम नजदीक है अगर पास है तो आपको जो है गलतियां है वो करना चाहिए और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके अभी एग्जाम नजदीक है। अब उसके बाद देखिए गणित दिन में पढ़ो, गणित ज्यादातर जो है दिन में पढ़नी चाहिए। मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस है जो अनुभव है वो कहता है कि मतलब ज्यादा जो दिमाग चलता है गणित में वो दिन में चलता है, दोपहर में 12 बजे, है ना, बाकी रात में भी चल सकता है, आपका कब चलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद टिप्स है, लाइक आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता, सूत्र याद नहीं रहते तो आपको क्या करना है, सिंपली सा टिप ट्रिक है इसके लिए, आपको सूत्रों को क्या करना है एक दीवार पर चिपका देना है, तो आपको जब भी वहां पर नजर जाएगी तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो है सूत्रों की एक अलग नोटबुक बना सकते हो, तो उसपे क्या है उसको आप पढ़ते रहना, है ना, जब भी आपको टाइम मिले, है ना। अब उसके बाद देखिए अपने मित्रों के साथ जो है आपको खेलना है, जब आपको सूत्र याद हो जाए तो आपको अपने मित्रों के साथ जब अंताक्षरी खेलते हो ना उसी प्रकार अंताक्षरी खेलना है, परंतु जो भी नाम आ जाए जिसके ऊपर अंताक्षरी खत्म हो उससे एक सूत्र पूछना है कि भाई तू खड़ा हो कोई ना कोई सूत्र बता। सूत्र याद करने का एक और फॉर्मूला यह है कि आप जब कोई भी सवाल करें तो उसमें यूज जब सूत्र होता है तो वहां पर सूत्र मतलब सवाल करते जाए और सूत्रों को लगा करके और सोल्व करते जाए, तो आपको इस प्रकार से भी सूत्र याद होंगे जल्दी। जी हाँ आप पढ़ने से याद नहीं होंगे ज्यादातर, ये यूज करने से बहुत ज्यादा याद होते हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ में अनुभव देखा है, होते हुए देखा है, ठीक है। अब देखिए पहले मन से सोल्व करें जो क्वेश्चन होता है, पहले मन से भी सोल्व करना चाहिए। अगर आपको मैथ से थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो चुकी तो आपको फिर मन से होल सोल्व करके देखना चाहिए, ठीक है ना, तो ताकि क्या है आपका जो माइंड है वो थोड़ा डेवलप होगा, क्या होगा डेवलप होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।